लुथरा और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे गन एंड शेल फैक्ट्री के मार्क 1 और मार्क 2 की। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है एंड क्या क्या नई खूबियां दी हैं मार्क 2 में, मतलब क्या क्या फ़र्क है मार्क 1 और मार्क 2 में। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो कमियां मार्क 1 में थी, जो पिस्टल मार्क 1 में थी, वो मार्क 2 में इन्होंने कमियां दूर कर दी हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके आगे खोलने वाला हूँ गन एंड शेल फैक्ट्री का पिस्टल मार्क 1 जो कि क्रोम कलर में है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसके साथ पहले कवर जो कि यूजलेस है और इसके साथ है इनका पिस्टल जिसका आपने काफ़ी लोग जानते होंगे, देखा ही होगा काफ़ी ने, तो ज़्यादा मेरे को बताने की इसकी ज़रूरत नहीं है। साथ में एक स्पेयर मैगजीन, लॉक की एंड रॉड सेट जो कि यूजलेस है। एंड अब आते हैं इसकी तरफ। तो आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी चेंज है पुराने से। इसके साथ कैरी करने के लिए भी अलग से दिया हुआ है एंड इसकी लुक बहुत ही सही है, मतलब देखने में काफ़ी खतरनाक सी चीज़ लगती है। तो इसकी जो लुक है इस कवर की वो इससे तो कई गुना बेटर है। तो आगे हम आते हैं इसकी तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुराने वाले में जैसे हैमर नहीं है तो इन्होंने इसके साथ एक हैमर दिया है एंड साथ में ये मैक्सिम लॉक दिया है जिसकी पावर बहुत ज़्यादा है एंड ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। और ये मैगजीन लुक काफ़ी सही है, इन्होंने साइड पे काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है। और इसी के साथ ये मैगजीन अगर आप कोई भी पिस्टल लें जो मतलब मैगजीन बटन्स के साथ आता है वो पूरी ग्रिप दी हुई है जिसको आप चाहो तो इस, अब ये मैं सोचना कि ये हमेशा इसके साथ रहेगा, आप इस ग्रिप को चेंज करके दूसरी छोटी ग्रिप लगा सकते हो जिससे आपको कई लोगों को होगा कि कैरी करने ऐसे पकड़ने में ग्रिप बने शायद ना बने, तो आप इसकी ग्रिप चेंज कर सकते हो। और ये वैसे ही इन्होंने ग्रिप काफ़ी बड़ी बनाई हुई है, ये ग्रिप काफ़ी छोटी हो सकती है। तो इसके साथ अगर हम आएँ तो इसके अंदर एक इन्होंने ये लॉक दिया हुआ है क्योंकि जैसे ये इसका लॉक है तो जैसे पुराना वाला तो हम इजीली ऐसे अगर घुमा के खोले तो बड़े इजीली खुल जाता था, तो इसका सीन ऐसा नहीं है। तो जेड़ा मतलब कि खोलो तो एवं डब च पिया पे खुल जाता है। जैसे इस लॉक की कई कमियां भी थी कि कई बार जैसे जेब में पड़ा पड़ा ही खुल जाता था या फिर कईयों की काफ़ी कंप्लेन आती थी कि किसी का तो ये गुम ही हो जाता था क्योंकि इसकी ऑटोमेटिकली खुल जाता था। इस हैमर जो इन्होंने नया हैमर एक्शन निकाला है उसकी इस चीज़ भी ये काफ़ी बेहतरीन चीज़ है। इसका मेन फ़ायदा ये है कि कई बार क्या होता था हमारी, ऐसा नहीं बहुत लोग कहते हैं कि यार हमारी पिस्टल की गोली मिस हो जाती है, क्यों होती है मतलब, तो ये चीज़ इस स्पेशली उसी चीज़ के लिए हैमर दिया हुआ है। कई बार क्या होता है हमारी जैसे ये पुराने में प्रॉब्लम थी कि मान लो अगर इसमें गोली इसमें मिस कर जाए तो फिर आपको दोबारा इसको कोक करना पड़ता था, यू नो वो गोली बाहर जाएगी फिर आप मैगजीन में डालोगे फिर चलाओगे फिर कहीं चलेगी। तो इसमें ये सी नहीं है, इसमें मान लो अगर आपकी गोली मिस हो जाती है तो आपको बस सिंपल क्या करना है इसको सख्ती से पीछे को करके एंड देन प्रेशर इसकी बुकलेट और ये पुराने वाले की, तो बस ये बुकलेट इसको ये पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है, इसको कभी इग्नोर मत करें। ये आपकी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताती है जिसके बारे में आपको कभी नॉलेज नहीं होती और शायद गन हाउस वाले भी आपको कई बार ना बता पाए। तो आप जब भी कोई नया वेपन लेते हैं तो अगर आपको उसके साथ बुकलेट मिलती है तो प्लीज़ उस चीज़ को ज़रूर पढ़ें क्योंकि ये चीज़ें इग्नोर करने वाली बिल्कुल नहीं होती। पर अगर इन दोनों में से अगर मेरे को रिव्यूज़ देने हो और अगर मेरे से आप पूछोगे कि मार्क 1 बेटर है या मार्क 2 बेटर है तो सिंपल सी बात है मैं आपको मार्क 2 का ही कहूँगा क्योंकि इसमें
और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करें तो मतलब इसमें बहुत छोटी छोटी, इसमें छोटी नहीं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी खामियां थी जो इसमें इन्होंने दूर करी हैं, और काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें थी जो इन्होंने बेटर करी हैं। हाँ, इसकी ग्रिप मेरे को कोई ख़ास पसंद नहीं आई, पर आप चाहो तो इसकी ग्रिप उतार के आप जो नई ग्रिपें आती हैं किसी भी गन हाउस वाले से अवेलेबल, किसी भी गन हाउस वाले से आप खरीद सकते हैं, वो ग्रिपें आप डलवा सकते हैं। और इसके ग्रिप का अंदर मतलब ये सिर्फ आउटलाइट थोड़ी बड़ी दिखती है, इवन इसका साइज ग्रिप का और इसका साइज अंदर से सेम ही है, जैसे इसकी मेटल अंदर से सेम ही होगी, ये बस उन्होंने थोड़ी लुक चेंज के लिए उन्होंने थोड़ी ग्रिप बड़ी करी। कुछ लोग पूछते हैं कि रिवॉल्वर, मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कि आपके मतलब रिवॉल्वर बेटर है या पिस्टल बेटर है, तो मैं तो देखिए हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, बाकी मेरे पास रिवॉल्वर भी है, तो अगर आप इन दोनों में से लें तो इन दोनों का आपस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ लोगों को पिस्टल पसंद है, कुछ लोगों को रिवॉल्वर पसंद है, कुछ लोग यार कॉमन सी बात है, जिसके पास पिस्टल है वो हमेशा यही कहेगा कि यार पिस्टल बेटर है, जिसके पास रिवॉल्वर है ये कहेगा रिवॉल्वर बेटर है। अब जैसे मेरे अपने लाइसेंस पर पिस्टल जुड़ा हुआ है तो मैं तो पिस्टल ही कहूँगा, पर नहीं। अब देखिए दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और मेरी तरफ से तो दोनों ही बेटर हैं, क्योंकि पिस्टल का एक्शन अलग है। मैं दोनों में से फ़र्क बता दूँ, जैसे ये पिस्टल जो है इसमें 8 गोलियाँ पड़ती हैं, आपको एक बार कोक करना है एंड आप लगातार चला सकते हैं 8 बार, जितनी गोलियाँ होंगी इतनी बार। हाँ, बस थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है इसको लेके, एंड थोड़ा सा मतलब इसकी संभाल थोड़ी ज़रूरी है, बाकी जितना सेफ़ पिस्टल है उतना सेफ़ कुछ नहीं होता, बस आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है पिस्टल को लेके। रिवॉल्वर में ऐसा सीन नहीं है, रिवॉल्वर को आपको इसमें 6 गोलियाँ पड़ती हैं, और इसका कोई वो सिस्टम नहीं है कोक वगैरह का, कोई इतना झंझट नहीं होता, इसके अंदर आप 6 गोलियाँ डालो, बंद करो एंड आप एक चलाओगे तो ऑटोमेटिकली ये आगे बढ़ती जाएगी। बाकी मैं रिवॉल्वर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। बाकी अगर आप इस रिवॉल्वर मतलब इसकी आउटलुक इतनी बेटर नहीं होती तो इसका पेंट जो है वो भी जल्दी उतर जाता है, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको इन फ्यूचर मॉडिफाई करवा सकते हैं, जैसे कि ये हुआ पड़ा है तो आप देख सकते हैं इसको ब्राउनिंग करा हुआ है, साथ में इसकी ग्रिप थोड़ी है वो अलग लगाई हुई है। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसा कुछ करवाने के लिए। बाकी ये वीडियो जो है वो लुथरा गन हाउस की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, एंड मेरा नाम है सौरभ लुथरा। इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब। फेस तो बार बार एंगल टेढ़े मेढ़े कर दिया। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस जानना चाहते अगर और इन फ्यूचर अपडेट्स के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइस, थैंक यू फॉर कितने सपोर्ट कितना दे दूं जो 40,000 लाइक मतलब शुक्रिया इतने सपोर्ट के लिए, लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतने व्यूज़ होंगे, इतनी जल्दी इतने व्यूज़ होंगे और इतना प्यार मिलेगा आप सबका, और ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी मेरे लिए। एंड इन फ्यूचर मैं अपनी क्वालिटी और इन फ्यूचर और इन फ्यूचर मैं अपने नए अपडेट्स लाता रहूँगा, थोड़ी बेटर क्वालिटी में लाऊँगा, थोड़ी बेटर एडिटिंग में लाऊँगा, थोड़ा सा हर एक चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। क्या सब करो, बस ठीक है, ओके भाई।